हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेबीज, टुडे आई एम गोइंग टू टेल अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? आपको सुनना है स्टोरी? मुझे पता है आप सबको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। सो किड्स, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटिफुल विलेज। एक समय की बात है, एक बहुत सुंदर गांव था, विलेज था। उसमें बहुत सारे लोग रहते थे और ना उस विलेज में एक बहुत ही ब्यूटिफुल फॉरेस्ट था, है ना? सो वहां के लोग सोचने लगे कि हम क्यों ना अपने विलेज को सिटी में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए तो बहुत सारे फर्नीचर चाहिए, सामान चाहिए, है ना? तो उन्होंने सोचा कि हमारा जो ये ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारे ट्रीज है ना, मैंगो ट्री हो गए, बनाना ट्री हो गए, टिम्बर ले ले वहां से, है ना? और उन्होंने सोचा हम इस फॉरेस्ट को कट करके इसके सारे वुड्स को हम अपने नीड और कंफर्ट के लिए यूज कर लेंगे, और जो जंगल खाली होगा वहां पे हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज लगा लेंगे, है ना? सो बेबीज, सी हियर, यहाँ देखो कितना ब्यूटीफुल विलेज था, है ना? और उन्होंने कट करके यहाँ पे फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स ऐसे उन्होंने बना लिया। तो लास्टली क्या हुआ, देखो यहाँ क्या हुआ, सारे एनिमल्स रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे फैक्ट्रीज एंड घरों के कचड़े जो होते हैं वो पानी में मिक्स हो जाते हैं और टॉक्सिक हो जाते हैं, है ना? और यहाँ देखो, ये फैक्ट्री से जो स्मोक निकल रहा है वो एयर में मिक्स होके एयर को पॉल्यूट कर रहा है ना। और आप ये बताओ बेबीज, फॉरेस्ट में कौन से एनिमल रहते हैं? वाइल्ड एनिमल रहते हैं ना। तो उन विलेजर्स ने अपने नीड एंड कंफर्ट के लिए सारे फॉरेस्ट को कट कर दिया, है ना, और बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज लगा दिए। तो अब ये जब ट्री कट गया, जब उन विलेजर्स ने ट्री को कट कर दिया, तो देखो सारे एनिमल्स का घर उन्होंने छीन लिया, है ना? ये देखो टाइगर कैसे क्राई कर रहा है, ये देखो लायन भी क्राई कर रहा है, एलिफेंट भी क्राई कर रहा है। हमने उन विलेजर्स ने इनका घर छीन लिया, है ना, फॉरेस्ट कट करके, है ना? तो एक दिन पता है बेबीज आपको क्या हुआ, जो विलेज के जो लोग थे ना वो अपने घरों में सो रहे थे, है ना, तो अचानक से उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, है ना? तो सारे लोग घबरा गए, अब हम क्या करें? फिर उन्होंने भगवान से प्रेयर करना शुरू किया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता है उनके घर में एक एंजल आई, है ना, और उन्होंने बताया कि आपको ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सारे फॉरेस्ट को कट कर दिया अपने नीड एंड कम्फर्ट के लिए, है ना? क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो बैड एयर लेके हमें गुड एयर देते हैं, और जो गुड एयर होते हैं ना उसी को ऑक्सीजन कहते हैं, है ना? देखो जैसे आपने यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाया, तो इसका जो स्मोक है वो कौन लेता है? वो ट्री ही तो अपने अंदर ले लेती है और हमें फ्रेश एयर देती है। तो आपने तो सारा ट्री काट दिया। तो वो सारे विलेजर्स ने भगवान जी से सॉरी बोला, और कल हो करके उन्होंने जहाँ पे उन्होंने ट्री कट किया था ना वहाँ पे सारे विलेजर्स ने एक एक ट्री लगाए, प्लांट लगाए, है ना? सो बेबीज, होप यू एंजॉयड दिस स्टोरीज, एंड आपको पता चला ना कि ट्री का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है ना? ट्री गिव अस शेल्टर, ट्री गिव अस फूड, ट्री गिव अस लीव्स, ट्री गिव अस ऑक्सीजन, और ट्री से हम बहुत सारे मेडिसिन भी बनाते हैं, है ना, जिससे बहुत सारे बीमारियों का क्योर होता है। ओके बेबीज, टुडे इज आवर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वी सेलिब्रेट एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन 5 जून। सो बेबीज, आज कोरोना ने हमें ये सिखा दिया कि ऑक्सीजन की हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। आज ऑक्सीजन की कमी के कारण न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी,
है ना। तो आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट की रक्षा करेंगे, है ना, और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे, है ना, बहुत सारे वर्क करेंगे। तो आज से हम बहुत सारे प्लांट लगाएंगे, ओके। तो बेबीज, अभी कोरोना के कारण लोगों को कितना ब्रीथिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। क्यों फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने सारे ट्रीज कट कर दिए, है ना, लगभग सोचो तो कट ही कर दिया अपने नीड एंड कंफर्ट के लिए। सो बेबीज, अगर हम इस सिचुएशन से जीतना है ना, कोरोना को हराना है और ऑक्सीजन की कमी को दूर करना है, तो हमें प्लांट को लगाना है ना। तो So babies, you have to promise me you will never cut any tree and you have to plant a tree, okay? So आज environment day है ना, तो आप आज क्या करोगे? आज सब अपने घरों में एक छोटा सा पेड़ लगाओगे, है ना, प्लांट लगाओगे, और उस प्लांट के साथ आप अपनी एक पिक खींच के मुझे सेंड करोगे, है ना, करोगे ना, प्रोमिस मी, ओके। लो मैम ने भी एक ट्री लगा दिया। अब देखो, नाउ ऑल एनिमल्स आर हैप्पी, है ना, देखो सब हैप्पी हैप्पी दिख रहे हैं ना। तो आप भी जल्दी से देखो बेबी, मैंने भी एक छोटा सा प्लांट लगाया है ना, इसी तरह से आपको भी आज लगा के